السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and a very warm welcome to Sweet and Savory by Chef Sumaira. उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप सब ठीक ठाक होंगे और सोच रहे होंगे कि आज आपा हैं तो आपा क्या बना रही हैं. आज मैं आप लोगों के लिए मेरी पसंदीदा बहुत स्पेशल बहुत अच्छी चीज़ बना रही हूँ जो बहुत से लोगों को पसंद होती है और वो है करेला कीमा. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी करेले साफ़ करने का तरीका जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं आता और उससे करेले आपके कड़वे रह जाते हैं. मेरे पास यहाँ पे 2 किलो करेले हैं. ये 2 किलो, कैन यू बिलीव इट, 2 किलो करेले लाए थे मैंने और उसको मैंने छुरी से साबुत करेलों को स्क्रेप किया. छिलका नहीं उतारेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारा उसमें से निकल जाएगा. स्क्रेप करें, अच्छी तरह से उसको स्क्रेप कर लिया. बीच से फिर उसको आपने आधा किया, सेमी सर्कल की तरह आपने आधा किया, उसके बीन्स निकाल दिए. बीन्स निकालने के बाद आपने उसको काटे. काटने के बाद आपने उसमें 2 से 3 टेबलस्पून नमक डाला और 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया. ठीक है, नमक अपना खुद का पानी छोड़ता है. 2 घंटे के 3 घंटे के बाद आप देखेंगे करेले में बहुत सारा नमक का पानी निकल आता है. उसको आप अंदर लेके आइए और सिंक पे रख के अच्छी तरह इस तरह हाथ से दबा दबा के यूं करके धोएंगे और उसका पानी निकलता जाएगा. 2-3 दफ़ा आपको करना है. ठंडे बर्फ़ वाले पानी में करेंगे तो करवाहट ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा अच्छी तरह करवाहट निकल जाएगी. ठीक है, और स्क्वीज इट वेल, अच्छी तरह दबा दबा के निकालें. फिर उसके बाद आप करेलों को बॉईल कर लीजिए इतनी सी इमली डाल के. 1 टेबलस्पून इमली डाल के आप इसको बॉईल कर लें तो जस्ट 5 मिनट्स और उसका पानी निकाल. ठीक है, ये मैंने स्टेप करके रखा है बिकॉज ये लंबा प्रोसेस है, ये मैंने करके रखा है. 2 किलो करेले लिए थे, साफ करना आपको बता दिया है मैंने. उसके साथ मैंने 1/2 किलो टमाटर लिया है, 1/2 kg टमाटर. यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है 1 किलो मटन का कुटावा कीमा. हाथ का कुटावा कीमा से बहुत मज़े का लगता है, मशीन के कीमे से वो बात नहीं आएगी. और ये मटन का कीमा है, कुटावा हाथ का. प्याज 4 बड़ी, अगर आप इसको भी वज़न में पूछते हैं तो ये भी 1/2 किलो है. 1/2 किलो टमाटर, 1/2 किलो प्याज, 1 किलो कीमा, 2 किलो करेले साफ करके ये भी तकरीबन 1 किलो ही हो जाएगा. समझ आ गया. मसाले इसमें सारे जाएंगे. क्या क्या जाएगा? धनिया पाउडर, अदरक लहसुन, नमक, हल्दी, भुनावा कुटावा जीरा, लाल मिर्च का पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च. राइट, चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ. शफक कुकिंग ऑयल में हम कुकिंग करेंगे और तेल हम लेंगे 1/2 कप. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपनी फेवरेट रेसिपीज जरूर शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी नई रेसिपी और ब्लॉग आपसे मिस ना हो. कप शफक कुकिंग ऑयल, बेहतरीन तेल, लाइट, आपके जिस्म में जमता नहीं है, लाइट रखता है आपको. हल्का तेल है, कलर देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर है. शफक कुकिंग ऑयल. अच्छा जी, इसमें हम शामिल करेंगे प्याज. प्याज जाएगी इसमें 4 बड़ी, तकरीबन 1/2 kg. और ये प्याज भी कच्ची पक्की फ्राई हो. अच्छा जी, ये प्याज ऐसी हो गई है हमारी आधी कच्ची पक्की. इसमें 2 टेबलस्पून जा रहा है जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटोज 1/2 kg, 500 ग्राम स्लाइस टोमेटोज, और मटन डालेंगे इसमें 1/2 का कुटावा मटन कीमा मोटा मोटा.
एक किलो कीमा, इसमें एक दो गुर्दे भी हैं। ये जब हमारा हाथ का कीमा हम बनवाते हैं मटन का, तो उसमें गुर्दे भी डलवा लेते हैं। तो अगर आपको पसंद है तो डलवाएं, नहीं पसंद है तो ना डलवाएं। अब इसमें जाएंगे सारे मसाले। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, भुनावा कुटावा जीरा 1.5 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालिएगा, करेलों में नमक है। हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर एंड में डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें, लेकिन एंड में। अब इसमें मैं भून रही हूँ इसको, 1 कप पानी डाल के इसको हम छोड़ देंगे जब तक कि कीमा गल जाए। जब कीमा गल जाएगा तो इसमें मैं करेले डालूँगी। आपको साफ करना बता दिया है, करेले 1 से 1.5 कप, 1 से 1.5 कप पानी चला गया। अब इसको आप बंद करें और गलने के लिए छोड़। जब कीमा गल जाएगा इसको हम भूनेंगे, भूनने के बाद इसमें हम करेले डालेंगे, गरम मसाला पाउडर जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया जाएगा। जी जनाब, ये देखें कितने मज़े का कीमा। टमाटर कहाँ गए, देखें सब गल गए। अब इसमें हम करेले डालेंगे, करेले डाल के भूनेंगे। ये 2 किलो करेले थे, साफ करने के बाद, बॉईल करने के बाद ये हो गए हैं 1 किलो। इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, चीनी जाएगी या गुड़ जाएगा 1 टेबल स्पून, आपकी मर्जी है। आपको गुड़ डालना है आप गुड़ डालें, आपको चीनी डालनी है आप चीनी डालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं बंद कर रही हूँ दोबारा से, और इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ ताकि हमारे करेले अच्छी तरह गल जाए। गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, शुगर 1 टेबलस्पून, मिक्स करें और 10 से 15 मिनट दम पे छोड़ दें। लास्ट में इसमें जाएगा हरा धनिया खूब सारा, आधी गड्डी तो डालिएगा, आधा कप, और फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें बड़ीदार। ये देखें कैसे अच्छा टमाटर और सब गल गया है। ठीक है, 15 मिनट के लिए बाद आपसे मिलते हैं सर्विंग के साथ। ये देखें जी हमारा करेला कीमा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। आखिर में ये आप आराम से, 1 किलो कीमा था, 1 किलो साफ किए हुए करेले थे, 1/2 किलो प्याज, 1/2 किलो टमाटर, ये मिला के आप 12 लोगों को इजी दावत में बना सकते हैं। ये हो गया हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया मैं ऊपर के लिए रखूँगी, ऊपर जाएगा, और ये हरी मिर्चें जाएंगी अंदर, थोड़ी सी ऊपर के लिए रखेंगे।
ठीक है, बस ये मैं सर्व कर रही हूँ। देखें, हाथ का कुटावा कीमा और करेले। तो ये रेडी हो गया है हमारा करेला कीमा। आप इंजॉय करें इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, कुलचों के साथ, आपकी मर्जी है। ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। स्वीट एंड सेवरीज बाय शेफ सुमैरा के ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, शेयर कीजिए अपने लव्ड वन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है। एंड गिव हर अ चांस टू ग्रो मोर एंड मोर। Thank you so much for being with us, for appreciating us, for giving us your good comments. Bahut bahut shukriya aap sabka. Khush rahiye. Allah Hafiz.